विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जबलपुर पुलिस लाइन एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय में किया गया वृक्षारोपण। जबलपुर पुलिस लाइन एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय में संपन्न हुए इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में जबलपुर पुलिस के सभी अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं जबलपुर शहर एवं ग्रामीण के समस्त थानों में थाना प्रभारियों एवं राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा वृक्षारोपण किया गया। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। हम सभी के लिए बहुत जरूरी है समझना कि दिन प्रतिदिन जो पर्यावरण है उसकी जो दशा है दिन प्रतिदिन बहुत अच्छी नहीं हो रही है, और हम सभी नागरिकों का एक कर्तव्य है कि हम पर्यावरण को एक अच्छी दिशा दें, जिससे आने वाली जो जनरेशन्स हैं वो हमको जिम्मेदार ना ठहराए कि हमने इनको विरासत में क्या पर्यावरण दिया। इसी तारतम्य में आज पुलिस लाइन में वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा गया है, और इसके बाद कभी SP ऑफिस में वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा गया। मुझे आशा है कि हम इस माध्यम से संस्कारधानी वासियों को ये संदेश दे सकते हैं कि वृक्ष लगाएं, वृक्ष आपके मित्र हैं, वृक्षों से ही बारिश होती है, वृक्षों से ही वाटर टेबल रिटेन होता है। वृक्ष सिर्फ वृक्ष जो दिख रहा है वही नहीं है, वो आपको छाया भी देता है, फल भी देता है। कुल मिलाकर के बहुत तरीके से उपयोगी है। वहीं इस अवसर पर जबलपुर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा के द्वारा चरगावा थाने में पदस्थ आरक्षक विवेक पटेल एवं हनुमानताल थाना में पदस्थ आरक्षक सौरभ तिवारी को सराहनीय कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि हनुमानताल थाना अंतर्गत आरक्षक सौरभ तिवारी ने आत्महत्या की नीयत से तालाब में उतरी महिला को बचाकर तत्काल अस्पताल पहुंचाया। वहीं चरगावा के आरक्षक विवेक पटेल ने एक्सीडेंट की सूचना मिलने पर घायल को तत्काल मदद की।